बिसौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कुशाग्र सागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिन पर रेप का गंभीर आरोप पीड़ित युवती लगा रही है। कुशाग्र सागर, मैं आपकी सफाई, आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि रेप का यह आरोप बहुत गंभीर है। महिला कह रही है उसे इंसाफ चाहिए। जी, मेरे खिलाफ जो ये आरोप इस महिला ने लगाया है ये बिल्कुल निराधार, बिल्कुल झूठ है। इसके पीछे मुझे नहीं पता किसकी साजिश है, क्या इससे ये प्रूव करना चाहते हैं मेरी राजनीतिक शुरुआत है, मेरे राजनीतिक करियर को खराब करने के लिए, मेरे खिलाफ पार्टी को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। लेकिन कुशाग्र सागर जी, एक बात बताइए, वो जो महिला है वो ये कह रही है कि उनकी माँ आपके घर नौकरानी के तौर पे काम करती थी, उस दौरान संबंध आप दोनों के बने, 2 साल तक शारीरिक शोषण आपने किया उस महिला का, शादी का झांसा दिया और अब आप किसी और से शादी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात। उसकी माँ काम करती थी, ये बात आपकी ठीक है, 2012 के करीब ही काम करती थी। चोरी के आरोप में हमने उसको काम से निकाल दिया गया था और उसके बाद इसने 2014 में मेरे खिलाफ यही सेम चीज दी थी, जिसमें सीओ ने जांच करके और इसमें मुझे क्लीन चिट मिल गई थी, जिसकी मुझे क्लीन चिट मिल गया तो सीओ साहब से मैंने कहा कि इसमें मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, मेरे खिलाफ झूठी ये एप्लीकेशन दी गई है। आप कह रहे हैं आपके खिलाफ षड्यंत्र की आपको इसमें बू आ रही है। लेकिन कुशाग्र सागर साहब, जल्दी से अगर पुलिस या कोई जांच एजेंसी आपको इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए बुलाती है, आप पूरी तरह से सहयोग करेंगे या नहीं? तैयार हूँ, ऐसा मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब मैंने सीओ से कहा कि जब इसने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा, ये झूठा एप्लीकेशन दिया है, तो जब ये झूठा साबित हो गया है तो ठीक है, ये तो जांच से साफ होगा, क्योंकि महिला अब भी इंसाफ की आस लगा रही है। कुशाग्र सागर की सफाई, इस पर आपने सुनी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।